अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े मदरसे या जामिया के बारे में बताऊंगा। जामिया अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका इंग्लिश में मानी यूनिवर्सिटी के हैं। आपने दुनियावी यूनिवर्सिटीज का तो बहुत ही सुना होगा, मगर ये दीनी यूनिवर्सिटीज जहाँ पर तुलबा व तालबात दीनी तालीम जो असल तालीम है वो हासिल करते हैं। तो इस जामिया के बारे में मज़ीद जानने के लिए वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जामिया दारुल उलूम कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा दीनी अदारा है। इस अदारे की बुनियाद 1951 में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब और उनके दामाद मौलाना नूर अहमद रहमतुल्लाह ने रखी। हजरत मुफ्ती साहब तकसीम हिंद से कबल दारुल उलूम देवबंद में कई साल सदर मुफ्ती के ओहदे पर फाइज रहे और 1947 में तकसीम के बाद पाकिस्तान के शहर कराची तशरीफ लाकर ये अजीम इदारा कायम फरमाया। इदारे के नाजम अव्वल मौलाना नूर अहमद थे, जिनकी अनथक मेहनत की बदौलत देखते ही देखते कुरंगी का वो सहरा एक अजीम शान इल्मी मरकज में तब्दील हो गया। इस वक्त इस अदारे के सदर मुफ्ती शफी साहिब के फर्जंद मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहिब हैं और नायब सदर उनके छोटे भाई मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब हैं। इस अजीम दरसगाह के क्याम की तारीख कुछ यूं है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब और मौलाना नूर अहमद रहमतुल्लाह ने नहायत ही सरो समानी के आलम में महज तवक्कल अल्लाह सिर्फ दो उस्तादा और चंद तुलबा से मोहल्ला नानक वारा में एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग में एक मदरसा इस्लामिया कायम फरमा दिया, जिसका नाम दारुल उलूम कराची करार पाया। ये दारुल उलूम शवाल 1370 हिजरी मुताबिक जून 1951 में कायम हुआ। दारुल उलूम के क्याम के बाद पाकिस्तान के तमाम सूबों और इजला से तलबा जमा हो गए। मजीद हिंदुस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, मलाइशिया, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की वगैरह इस्लामी ममालिक से तलबा का रजू हुआ, जिससे बिहम्दिल्ला दारुल उलूम कराची ने बहुत कलील अरसा में आलम इस्लाम में दीन के मजबूत किला की हैसियत इख्तियार कर ली, जो देखते ही देखते तुलबा उलूम नबूवत और दायाने दीन का मरकज बन गया और बज़ाहिर एक बड़ी इमारत भी तुलबा की कसरत के सबब तंग महसूस होने लगी। अल्लाह ताला के फजल व करम और हजरत मुफ्ती साहिब की मुसलसल दुआओं और मौलाना नूर अहमद की हैरत अंगेज सलाहियतों की बदौलत दारुल उलूम कराची 56 एकड़ के वसी रकबा पर फैल गया और जो आज भी कायम है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान के किसी भी मदरसा की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल को लाजमी दबाएँ ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।